नेमावर में हुई घटना की हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय को भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप दोषियों को कठोर दंड दिलाने की मांग की है। इसमें खंडवा भीम समुदाय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। खंडवा से कैमरामैन लोकेंद्र तिरोले के साथ जिला रिपोर्टर लोकेंद्र गंगराड़े की खास रिपोर्ट। नेमावर में हुई हत्याकांड में आरोपियों की सजा देने एवं वर्तमान समय में देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला खंडवा मध्य प्रदेश, महोदय जी निवेदन है कि मध्य प्रदेश में देवास जिले के नेमावर में बीते दिनों एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों के निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके शवों को जमीन में दफना दिया गया था तथा पुलिस के द्वारा काफ़ी दिनों के बाद कार्रवाई की गई। आए दिन बहुजन समाज के लोगों में रोष व्याप्त है तथा वर्तमान समय में देश से सभी वस्तुओं की कीमत दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है तथा मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार का जीना दुभर हो गया है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त निर्मम हत्या के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर उन्हें अतिशीघ्र फांसी की सजा दी जावे तथा महंगाई पर अंकुश लगाकर सभी वस्तुओं की कीमतें कम की जाए, अन्यथा हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय सामाजिक। नेमावर में जो घटना हुई है और जो महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए हम सभी भीम आर्मी कार्यकर्ता आज कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए थे। जो नेमावर में निर्मम हत्या की गई है आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए और बढ़ती महंगाई के लिए, इसको कम करने के लिए आज पूरी भीम आर्मी ज्ञापन देने आई थी।